सखर पुलिस शहीद जान मोहम्मद मर के कत्ल में नामजद मुख्य जवाबदार छह जवाबदार में बिन जवाबदार के गिरफ्तार कर वरतो। सखर पुलिस के तर्जुमान मूजिब सीनियर सहाफी जान मोहम्मद मर की शहादत में मुलविस बिन जवाबदार बख्श अली उर्फ बख्श मर ए बाबर मर के गिरफ्तार किया वो। बिन्हीं जवाबदार के अदालत में पेश कर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कई वी। सखर पुलिस मूजिब जान मोहम्मद मर की शहादत वो नुकसान है। कत्ल में मुलविस समूरन जवाबदार सहूलतकार की गिरफ्तारी यकीनी बनाई वी। आईजी सिंधु गुलाम नबी मेमण केटी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल की इंक्वायरी लाए जांच टीम जोड़े छी नोटिफिकेशन जारी। डीआईजी तनवीर आलम ओढ़ो जांच टीम जो सरबराह हों। एसएसपी सखर एसएसपी खैरपुर एसएसपी खैरपुर एसपी सीडी टी सखर आईएसपी गंबट कमेटी जहां मेंबर हों। आईजी सिंध पारा जांच टीम के घण रुखी जांच कर शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल में मुलविस मुलविस जवाबदार सहूलतकार के गिरफ्तार करने की हिदायत। नोटिफिकेशन मूजिब जदीद तरीका इस्तेमाल कर मुकर्रर वक्त अंदर कत्ल केस की जांच मुकम्मल कई वे। फॉरेंसिक डिजिटल ए टेक्निकल तरीका इस्तेमाल करण से गड गिरफ्तार जवाबदार 164 बयान भी रिकॉर्ड किया वे। जांच टीम के हर टिन डीन अंदर अग भराई रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केटी न्यूज ए कावस के सीनियर रिपोर्टर शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल की जांच लाए जीआईटी कायम। घरू खाते पारा नोटिफिकेशन जारी। एसएसपी सखर की सरबराही में कायम कल सत रुकनी जीआईटी में आईएसआई एमआई एफआई रेंजर्स ए पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हुंदा। नोटिफिकेशन मूजिब आईएसआई एमआई रेंजर्स जा मेजर रैंक या उनका वधिक रैंक जो ऑफिसर शामिल हुंदो। एफआई जो डिप्टी डायरेक्टर या उनके बराबर रैंक जो अमलदार है। सिंध पुलिस के स्पेशल ब्रांच जो एसपी या उनका वड़ी रैंक जा ऑफिसर शामिल हुंदा। जीआईटी केटीएन के शहीद रिपोर्टर जान मोहम्मद महर के कत्ल की एक महीने अंदर जांच मुकम्मल कर रिपोर्ट जमा कराई। मेज़बान जान मोहम्मद महर के इजाजत दुआ से सदाई सिंध आबाद खुशहाल रहे वेड़ा जो उजड़ी गया बीहर आबाद थे बीहर वसन सड़ा। सीनियर सहाफी शहीद जान मोहम्मद महर जो चक शहर में टीजो। केटी न्यूज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तनवीर शेख ए कावश सथ की शिरकत। तनवीर शेख रोजानी कावश के असिस्टेंट न्यूज एडिटर याकूब सुमरो बन शहीद जान मोहम्मद महर के वारसन से ताजियत कई। रोजानी कोशिश के एडिटर नेमत खोड़ो समेत वे अंग में साफिन सियासी समाजी अगवाणन भी शहीद जान मोहम्मद महर के टीजे में शिरकत कई। शहीद के एसाले सवाब लाए फातह खानी कई वही। शहीद जान मोहम्मद महर के 13 अगस्त से सखर के गुतल आबादी वाले इलाके लुक्स पार्क्स वट दहशतगर्दन गोलियों हणी शहीद किया हो। शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल के असा खुलल दहशतगर्दी समझूं था। उनकी कैसा भी का जाती दुश्मनी न हुई सहाफी की दुश्मनी कैसा भी न होंदी आ। जान मोहम्मद महर सजे सिंध के शऊर हो सिंध के शऊर की कत्ल कियो आ जो सरासर जुल्म है।
शहीद जान मोहम्मद महर के कातिल की गिरफ्तारी लाए समूरी सिंध टे ढी बेसरापा एहतजाज बणियल। सखर लाड़कणो नवाबशाह कश्मोर मीरपुर बोड़ो रखण घोटकी खैरपुर जामचोरो थानो बुलाखान वरहें गंबट ए बेन शहर में कलम धणन जो एहतजाज। न्यू सैदाबाद मेहड़ थरूछा ए बेन शहर में एहतजाजी मुजाहरा ए धरना। चक शहर में शहीद जान मोहम्मद महर के टीजे बाद सीनियर सहाफी नेमत खोड़ो की अगवाणी में रैली कढ़ी वही। अगवाणन मुतालबो किया है त शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल में मुलविस समूरन जवाबदार ए सहूलतकार के गिरफ्तार कर सरेआम फाई डी वही। बलोचिस्तान के इलाके हब में भी शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलन की गिरफ्तारी लाए एहतजाज किया वो। जमायत इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुल रहमान पारा शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल की मजम्मत मलीर में केटी न्यूज से गालंदे नईमुल रहमान जमायत इस्लामी दुख की इन घड़ी में केटी न्यूज ए कावश सत से गड है। जान मोहम्मद दिलेर साफियो संदस कत्ल में मुलविस लिकल हथन के बेवाको कर शहीद के खून से इंसाफ किया वे। आम चूंड लाए तकबंदी कदें शुरू कजन इलेक्शन कमीशन जो इजलास बिना नतीजे खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत हेठे इजलास में मुशावरत जारी रखने जो फैसलो। कानूनी टीम तकबंदी करने की तजवीज दे छी। निगरान वजीर आजम अनवर उल हक काकड़ निगरान वफाकी काबीना लाए सलाह मशवरा मुकम्मल कर वरता। अज नालन जो ऐलान थे इम्कान जरियन मूजिब सैयद मोहम्मद अली के इतलात जलील अब्बास जीलानी के परदेही वजारत जो खातो दियण जो इम्कान। सरफराज भुगटी के भी निगरान काबीना में शामिल करण ते गौर कयो पियो वञे। मुबैना सैफर की गुमशुदगी वारे मामले ते पीटीआई चेयरमैन खिलाफ केस दाखिल। एफआईआर की दहशतगर्दी के खात्मे वाली विंग साइफर की गुमशुदगी जो कैस दाखिल कर छो। डीआईजी सतह जहा ऑफिसर मुबैना साइफर की गुमशुदगी वाले मामले की इंक्वायरी कर रहा है। जेआईटी भी पीटीआई चेयरमैन का अटक जेल में मुबैना साइफर बाबत पुछागछा कई। सिंध पुलिस की नाकिस जांच सबब कातिल आजाद थी वन था जर्सी भी भरी थी वे तो। पंजाब पुलिस जिया अवां थाने जो कल्चर तब्दील छो ना कर नाहल ऑफिसर के शो रखी वेठा हो। सिंध हाईकोर्ट परा पुलिस की नाकस जांच से कराची पुलिस चीफ से कावड़ जुजार। अदालत रिमार्क्स दिना तो जांच ऑफिसर के फंड मिलंदा ना जैंखे पैसा मिलंदा वो सब कुछ खाई कर बारह वगे निंड में उथंद है। अक्सर केसन में मानू पांजी जाल के मारे छींदा पुलिस आबघात जो रंग डेई छींदी है। चाहूं था कराची का कश्मोर ताई पुलिस जो मयार ए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर थे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो पारा जांच निजाम बेहतर करण की खातरी। सराड़ी वेझो हजारा एक्सप्रेस से पेश आयल हादसे की जांच शुरू। रेलवे जमलदार सराड़ी पची वाके वारे हंध जो मुआयनो कयो। सराड़ी रेलवे स्टेशन से मुकर्र कल अमले के नवाबशाह तलब किया वो बयान रिकॉर्ड क्या वा। खानपुर वेझो नापुरकोट थाने की हद में चार ढी अगो अगुआ थियल बजणा बाजियाब कराने की दावा। पुलिस मूजिब मोहम्मद हुसैन ए हुसैन अहमद भुगटी के बाजियाब कराया वो है। कुछ ढी अग हथियारबंद बिन जणन के कतल कर बिन जणन के अगवा कर वाया हुआ।